ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसकी। एंड जब दुनिया इंडिया को एज ए डेमोक्रेसी देखता है, एज ए कंट्री दैट बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, तो वो कहा जाता है कि इंडिया जो है वो एक नेचुरल एलाय है। इंडिया का जो चंद्रयान 3 मून मिशन वो बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ होते नज़र बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ जा रहा है, और उनके जो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो गए हैं। तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है, तो इट्स जस्ट वन मोर मैन्यूवर रिक्वायर्ड फ्रॉम के दरमियान थी, एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। रूस का लूना 25 क्रैश हो चुका है, जिससे रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रूस की स्पेस एजेंसी 10 दिन में अपने मून मिशन को पहुंचाने की बात कर रही थी, लेकिन रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। इस बात की पुष्टि रूस की स्पेस एजेंसी ने भी ट्वीट करके कर दी है। साथ ही भारत का चंद्रयान 3 अपने मिशन पर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया की नज़रें भारत के चंद्रयान 3 पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत का चंद्रयान 3 बढ़ रहा है, उससे साफ होता है कि 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 बड़ी आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा, इसकी वजह ये है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहाँ पर पहुँच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो कि मून की उसने ली, वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप उस फोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है, और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून, और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे, यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे, और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है, उसने पहुंचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे, तो हमें पता चलेगा 3 दिन 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था, तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नज़र आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहाँ पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसके बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं,
और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो उसका ये वाला मिशन कामयाब हो जाता है तो चले उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी उनकी नेशन के लिए मिल जाती। और वो जो एक होता है दबाव, प्रेशर और ये सब जो दुनिया में उनके लिए चल रहा है, तो उसमें से कुछ देर के लिए वो निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि रशिया के दुश्मनों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी होगी ये। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि ये सबके लिए नाकामी है। किसी एक कंट्री की ऐसे मिशन में नाकामी पूरी दुनिया की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की नाकामी है, मेरे नज़दीक इसी तरीके से है। हाँ, हमें याद है कि जब इंडिया का एक मिशन जो है वो पास पहुँच कर वहाँ पर जो क्राफ्ट था वो किसी और तरफ जो है उसकी वो हो गई थी, डायरेक्शन कामयाब नहीं हुआ था इससे पहले, तो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने इस पर खुशियाँ मनाई थी। और उस वक्त भी कुछ यानी सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, जो इसको इसी तरीके से देखते हैं कि उस वक्त भी हमने ये कहा था और काफ़ी लोगों ने बात की थी कि जिन लोगों ने इस तरह का मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कहा है कि जी वो जो नाकामी है वो हमारे लिए खुशी की बात है, तो दरअसल ये एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत जहालत है। एग्जैक्टली, मैं इसको अभी भी ऐसे ही लूँगी कि रशिया की नाकामी को जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है, वो जहालत है। क्योंकि किसी भी कंट्री का ऐसे किसी मिशन पर पहुंचना और कामयाब होना ये दुनिया की सबसे बड़ी एफर्ट होती है। क्योंकि इसरो साइट उसकी स्पीड को कम करने का वो 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा, एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, आप समझिए, इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें, प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा एक दो साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना वन मून डे जो है, या चूंकि वन मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है या वाइस वर्सा, वो अपनी वहाँ पे एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहाँ पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन इंडिया बैंगलोर आई गेस। तो मेरे लिए तो मेरे लिए नहीं, देखिए ये सबके लिए है, ये सब चीजें जो की जाती है ना आरजू जी, ये इंसानों के लिए की जाती है। अब इंटरनेट जिसने भी ढूंढा वो अपने लिए थोड़े ढूंढा, हम आप आज बैठ के बात कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, ये इंसानियत के लिए एक तोहफा है। सो आई गेस दिस फीट ऑफ इसरो बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी, और भारत दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है, एक ये उनका मार्का है, कामयाब है वो। हम इससे पीछे हमारे पास अदारा है स्पार्को, उसने अभी तक कोई ऐसी काम नहीं किया ऐसा जिससे पता चले गए टेक्नोलॉजी में हम भी कोई उनसे आगे हैं या दुनिया में कंपीट कर रहे हैं इस मामले में, ठीक हो गया। लेकिन ये अदारा बनाने का एक मकसद था कि हमने भी कोई चीज़ें जो है सर करनी है, कोई मामला जो है हमने भी टेक्नोलॉजी में पांव रखना है, आगे जाना है, लेकिन हम फेल होते नज़र आ रहे हैं। इवन कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो नीचे नीचे जाती हुई नज़र आ रही है और उनकी ऊपर जा रही है, जीडीपी उनकी देख लें चाइना कम्पीट कर रही है और हम देख लें हम बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, नीचे आ रही है रेगुलर बेसिस। सबसे पहले हमें इस चीज़ को ठीक करना होगा, हमारे जो क्राइसिस हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं इनको ठीक करना होगा, इसके बाद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। बिल्कुल, अगर फर्ज किए कि इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट कर लिया तो पाकिस्तानी पब्लिक के क्या तासर होंगे, पाकिस्तानी पब्लिक उसके बारे में क्या कमेंट करेगी आपके मुतालिक? पब्लिक तो साफ जाहिर है, पब्लिक का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी हम इंडिया से किसी मामले में फिर से हार रहे हैं, पहले बहुत सारी मामलात में हार रहे हैं, बहुत सारी फील्ड्स में हार रहे हैं, आईटी में है, क्रिकेट में है, मेडिकल में है, उसके बाद ठीक है टेक्नोलॉजी में भी हार रहे हैं, लेकिन नहीं अभी उनसे सीखने का वक्त आ चुका है, ठीक है हम उनसे सीख सकते हैं, उनके साथ बैठ के उनकी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। हाँ, अगर उनसे ना समझे चाइना समझ ले चाइना। तो दोस्तों, भारत के बहुत ही ज़्यादा करीबी साथी रूस का लूना 25 क्रैश हो गया है, क्योंकि जिस तरह से रूस का मून मिशन बढ़ रहा था और रूस की स्पेस एजेंसी दावा कर रही थी कि वह सिर्फ 10 दिन में लूना 25 को चांद की सतह पर लैंड करा देगा, लेकिन
ऐसा नहीं हो पाया और लूना 25 का इंजन फेल होने से और वो क्रैश हो गया। साथ ही भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त अपने मिशन पर जारी है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 113 किलोमीटर दूर ही रह चुका है। अब आने वाले दिनों में 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 बड़ी आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी लगातार इस बात की जानकारी दे रही है। इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 पर दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत का मून मिशन बढ़ रहा है उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी भारत की सफलता को नहीं देखना चाहते। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।